चलो, ये कहता है एक फोर्स है, फोर्स एक्ट ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। अब इसमें से हम लोगों को निकालना है वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर। 12 मीटर कहाँ है मेरे भाई? तो 12 मीटर यहाँ है यार, यहाँ पर है 12 मीटर, ठीक है। तो 12 मीटर यहाँ है, तो t इक्वल टू जीरो यहाँ है, सॉरी यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर है। तो हमें वर्क डन निकालना है। तो अब आपको ये बात कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट अगर ग्राफ बनाता हूँ फोर्स और एक्स का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाता हूँ, तो इसको एरिया अंडर द कर्व, क्या बोला मैं, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट वर्क डन, ठीक है। तो एफ एक्स ग्राफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट वर्क डन, रिप्रेजेंट वर्क डन। इसका मतलब ये हुआ, एरिया अंडर द कर्व क्या होता है यार, एरिया अंडर द कर्व कहाँ से कहाँ तक एरिया है, देखो यहाँ ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो एरिया अंडर द कर्व ये वाली एरिया, ये एरिया हमें बताएगा कि इसमें तो कोई एरिया ही नहीं है, तो वर्क डन जीरो है यार। यहाँ तक फोर्स परपेंडिकुलर होगा, यहाँ तो वर्क डन जीरो है, ठीक है। यहाँ से एरिया बढ़ना स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद ये पूरा मैं एरिया निकालूंगा, वही मेरा वर्क डन देगा। तो चलो ये पूरा एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया कैसे निकालेंगे यार इसका, आप सबको आता होगा एरिया निकालना। ये एरिया अंडर द कर्व दैट इज द वर्क डन, दो पार्ट में डिवाइड कर दो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ट्रेपेजियम है, ठीक है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, रेक्टेंगल करके भी निकाल सकते हो। एक बार टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 और मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1 बाय 2, बेस है 12 माइनस 3 और हाइट मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 ने 2 को, और ये आ जाएगा 4 8 और प्लस ए आ जाएगा 9, ठीक है। तो 12 माइनस, एक मिनट यहाँ पर गलती हुआ भाई, 12 माइनस 7 आएगा ना, 12 माइनस 7, ये तो कह रहा हूँ यार, गड़बड़ा रहा। यहाँ से जो बेस है, ट्रायंगल का बेस है वो 12, ये वाला 12 माइनस 7, तो 12 माइनस 7 ये 5, तो ये आ जाएगा 13 जूल, 13 जूल इज द